हेलो फ्रेंड, कैसे आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोग पूछ रहे थे कि हम कहाँ से हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ से हैं। हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से हैं, मतलब स्टेट यूपी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। और फिलहाल हम आपको अपना गांव का नाम नहीं बताएंगे, तो चलिए बताते हैं कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। तो आज हम लाने जा रहे हैं एलिफेंट एप्पल, इसे चालता भी बोलते हैं। तो चालता से हम खट्टी मीठी सब्जी बनाएंगे, तो चलिए चालता को लाने चलते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग पूछ रहे थे कि हम दोनों में बड़ी कौन है और हमारा नाम क्या है। हम दोनों में मैं बड़ी हूँ और मेरा नाम है ललिता। और मैं छोटी हूँ, मेरा नाम है विशाखा। तो चलिए पेड़ की तरफ चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं चालता के पेड़ के पास। ये है चालता का पेड़। तो चालता को तोड़ने के लिए हमने एक बांस लिया है। ये बांस हमने जिनका खेत है उन्हीं से लिया है। तो चलिए चालता को तोड़ लेते हैं। इस वाले पेड़ से हम नहीं तोड़ेंगे, आगे और भी पेड़ हैं तो हम वहीं से तोड़ेंगे। तो देखिए, ये वाला पेड़ थोड़ा छोटा है और इसका चालता भी थोड़ा नीचे नीचे है, तो चलिए इससे चालता तोड़ लेते हैं। तो देखिए, हमने दो चालता ले लिया है। तो चलिए अब घर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले चालता को काट लेते हैं। अब इसको छीलेंगे और ये फल खाने में बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो देखिए फ्रेंड, इसके अंदर से कुछ इस तरह का निकला है। इसके अंदर इसका बीज है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब इनको पहले उबालेंगे। अब हमारा ये उबल चुका है और हमने सिर्फ एक ही सीटी लगाया था। तो अब इसको हम पानी में से निकाल लेते हैं। तो चलिए अब खट्टी मीठी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम एक छोटी चम्मच काला सरसों डालेंगे। अब इसमें हम 5-6 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद इसमें उबाला हुआ चालता को डाल देंगे। फिर इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक और छोटी आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं। हमने इनको 3 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी अच्छे से उबलने के बाद हम इसमें एक छोटी कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी डालेंगे।
अब सब्जी को हम करीब 5 मिनट तक मीडियम आंच में पकाएंगे। अब हमारा सब्जी बनके तैयार है, तो अब हम आंच को बंद कर देते हैं। तो चलिए सब्जी को टेस्ट करके देखते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी होता है, और आप चाहे तो इसे चावल के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आगे हमने अगर कोई जंगली साग सब्जी का वीडियो बनाया तो हम खा के ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये खाया नहीं जाता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।